हेलो गाइस, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का विशेष स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मोहनलाल। तो ये जो है स्थायी प्रतिनिधि के रूप में TS तिरुमूर्ति, जो कि एक IFS ऑफिसर रहे हैं भारत के, इनको संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? मिशन मृदा, मिशन पोषक, मिशन बोर्ड, मिशन कल्याण। तो ये मिशन मोड के तहत जो है जागरूकता अभियान कृषकों के लिए ये रिलीज़ किया गया है, कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक। तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, जिसमें भारत प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? साइरस पुनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी। तो ये भारत के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, जो कि 36.2 बिलियन डॉलर के साथ संपत्ति के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि इनका जो है 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति में कमी भी हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के रूप में बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, परिणीत चोपड़ा, तापसी पन्नू। ये जो दिया मिर्जा, जिनको सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया था, इनके कार्यकाल की अवधि फिर से बढ़ा दी गई है। अब ये 2022 तक बनी रहेंगी। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मोहन त्यागी, DPS नेगी, राहुल राय, अजय सचदेवा। तो ये जो है नियुक्ति से क्वेश्चन, DPS नेगी। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से हम लोग जो आयुर्वेद में मौजूद जो जड़ी बूटियां हैं, जो कि आपको देख रहे हैं कि काढ़ा और गर्म पानी COVID-19 से लड़ने के लिए आपसे बात की जा रही है, तो उस को लेकर के कि कैसे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए, ठीक, उसकी सारी जानकारी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, इसे आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। 7 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष, अगले 2 वर्षों में, तो ये एक बड़ी स्कीम है सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 8,304, 7,304, 9,304, 5,304। तो ये 9,304 पदों को समाप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुटता भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। तो आपको बता दूं, ये जो लाने का प्लान है वंदे भारत मिशन के तहत लाया जाएगा, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, यानी सरकारी सेवा जो संचालित हैं, उनके माध्यम से 64 उड़ानों की सहायता से विभिन्न देशों को भारतीयों वापस लाया जाएगा। तो ये आज का रहा डेली करेंट अफेयर्स। ऐसे ही यूं ही जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।